2024 लोकसभा के चुनावी बिसात पर सियासी गोटियां सजाई जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 2024 के चुनाव में करारी शिकस्त देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, लेकिन बीएसपी पार्टी अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। वहीं कयासों का बाजार गर्म है तो मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही थीं कि बहुजन समाज पार्टी जल्द ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों को निराधार और झूठा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये खबरें बसपा को कमजोर दिखाने की साजिश है। इतना ही नहीं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। अपने बयान में बसपा सुप्रीमो ने बसपा के खिलाफ हो रही घृणित राजनीति में सपा के भी शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का नाम लेते हुए कहा कि बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात का दावा निराधार है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा काफी बदहाल स्थिति में है, वो भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा है जो बसपा के खिलाफ लगातार सक्रिय है। जानकारों के मुताबिक बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर लग रहे कयास मायावती की नाराजगी का सबब बन चुका है। दरअसल इसका मकसद बसपा को कमजोर दर्शाना है और सपा को उसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में ज्यादा मजबूत स्थिति में पेश करना है। 2007 की तरह बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभाओं में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी INDIA गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लॉटिंग भी की जा रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले ब्रिजलाल खाबरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेशा गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए उसने खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि कांग्रेस एक ओर उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती है और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेता को कमान भी दी है। लेकिन अब मायावती ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 2007 के यूपी विधानसभा की तरह ही आगामी लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो बीते कई महीनों से लगातार यूपी में अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का संदेश देती रही हैं, ताकि उनका वोट बैंक इसे लेकर किसी संशय में ना रहे। वहीं दूसरी ओर बसपा खुद को लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी मान रही है। इसकी वजह सपा के मुकाबले उसके अधिक सांसद होना है। बीएसपी राजस्थान व तेलंगाना में अकेले लड़ेगी चुनाव। बसपा ने हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान तो किया, हालांकि राजस्थान और तेलंगाना में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ समझौता करने की बजाय खुद चुनावी समर में अपनी ताकत को आजमाना चाहती है। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी अब तक चुनावी मैदान में अकेले दम पर उतरती दिख रही है। पार्टी की ओर से अपनी रणनीति को साफ नहीं किया गया है। पर्दे के पीछे बसपा और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पकने की चर्चा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के प्रति बसपा सुप्रीमो का नरम रुख भी चर्चा में है। ऐसे में मायावती दलित वोट बैंक को जोड़कर रखने और चुनावी मैदान में उनकी सफलता को लेकर अभी से कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। समाज के टूटे लोगों को जोड़कर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। बसपा सुप्रीमो ने पार्टियों से नेताओं को तोड़कर शामिल कराने को लेकर भी बड़े दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ या जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे और बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 के यूपी विधानसभा की तरह अकेले आगामी लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।
एमपी और राजस्थान में बीएसपी बन सकती है गेम चेंजर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों के लिए एकला चलो के फॉर्मूले का ऐलान करने वाली मायावती ने विधानसभा चुनावों के लिए अलग तरह की रणनीति बनाई है। वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी हैं कि जरूरत पड़ने पर चुनाव बाद बीएसपी सरकार में शामिल हो सकती है। जुलाई के महीने के आखिर में दिल्ली में मायावती ने चुनावी राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद ही मायावती ने अपना स्टैंड बदल लिया था। आमतौर पर चुनाव से पहले तक मायावती का ऐसा रुख नहीं रहता है, लेकिन इस बार सरकार में जाने का फैसला कर उन्होंने सबको चौंका दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। जनहित में इस तरह की मजबूर सरकार में शामिल होकर बीएसपी दलितों और आदिवासियों की बेहतरी का काम कर सकती है। मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम का यह फॉर्मूला था। इसी रणनीति के तहत यूपी में बीएसपी ने पहले सपा और उसके बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई और चलाई। मायावती अब कांशीराम के फॉर्मूले को 2023 के विधानसभा चुनाव में आजमाना चाहती हैं, जो उनके लिए 2024 में गठबंधन के द्वार खोल सकता है। क्या मायावती है एमपी राजस्थान में तीसरी ताकत? मायावती इस बार किसी भी सूरत में पिछली बार की गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है, इसलिए उनका पूरा फोकस अब विधानसभा चुनावों पर है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बसपा का खास फोकस है। मायावती को सबसे अधिक उम्मीदें राजस्थान से हैं, जहां बीएसपी चीफ ने अपने भतीजे और सबसे भरोसेमंद आकाश आनंद को चुनाव की जिम्मेदारी दी है। बीएसपी में नंबर 2 और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश वहां लगातार रोड शो कर रहे हैं। मायावती को लगता है कि इस बार वो एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बन सकती है। बीएसपी नेताओं से मिले फीडबैक के बाद मायावती आश्वस्त हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में उनकी पार्टी तीसरी ताकत बनकर उभर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही राज्यों में अनुसूचित जाति यानी दलितों का बड़ा वोट बैंक है। इस तरह सत्ता की चाबी उनके हाथों में आ सकती है। अगर त्रिशंकु नतीजे आते हैं तो बसपा बाहर से समर्थन देने की बजाय सरकार में शामिल होकर अपनी बातें मनवा सकती है और भविष्य की राह में सियासी कदम बढ़ा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।